प्रभु येसु क्रिस्तु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे सामाजिक जीवन में अक्सर आने वाला एक शब्द है, मां कसम, भगवान कसम, बाप की कसम, तेरी कदम कसम, ईश्वर की कसम, इसी प्रकार के बहुत सारे बातें। परंतु ईसा मसीह आज हमसे हमारे आचरण को सुधारने के लिए आह्वान देते हुए हम लोगों को से कह रहे हैं, कभी कसम या शब्द नहीं कहना चाहिए, न अपने शरीर की, न आकाश की, न स्वर्ग की, न ईश्वर की, न पृथ्वी की, किसी का भी कसम नहीं कहना चाहिए। तुम्हारा बातचीत हां की हां, ना की ना, ये होना चाहिए। हमारे जीवन में अगर इसी प्रकार का कसम आते हैं तो हमें अपने जीवन में उसी को सुधारने के लिए एक मौका दे रखे है आज ईसा मसीह अपने इन्हीं वचनों के जरिए। हमें अपने जीवन में कब ये कसम खाना पड़ता है? जब हमारे बातों का विश्वसनीयता दूसरे लोगों के समक्ष बरकरार रखने के लिए ही हम कसम खाते हैं। यह मेरे बात जो बोलते हैं उसी को सच है वो स्थापित करने के लिए हम कसम खाते हैं। इसका मतलब है कि हमने कभी न कसी किसी न किसी प्रकार से दूसरे लोगों के समक्ष उन लोगों का विश्वास खो दिया है, या हमारे वश में विश्वास करने के लिए उन लोगों के लिए कोई ना कोई रुकावट रहता होगा। आज प्रभु के दिव्य सान्निध्य में रहते समय हम अपने जीवन की मुड़ कर देख ले, कभी झूठ न खाने वाला या झूठ न बोलने वाला कोई व्यक्ति कभी भी ऐसे कसम खाने का जरूरत नहीं होता। आज इन्हीं वचनों के सान्निध्य में रहते समय हम अपनी जिंदगी को सुधारें, हरदम सच बोलते हुए दूसरे लोगों के विश्वास का पत्र बन करके हमारे क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़े। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबों को परिपूर्ण करें। सब यीशु